देख सकते हैं तो लीला और इसके साथ साथ स्वरूप लीला पूर्वक ही स्वाभाविक तिरछी चितवन उसकी उसकी आँखों से देखना जो हम ध्यान करते हैं स्मरण आता और उसका हंसना और बोलना हसित भाषित श्री कृष्ण का हंसना श्री कृष्ण का बोलना और उसकी लीलाएं उसका प्रेम पूर्ति अच्छी नज़र से देखना जब हम स्मरण करते हैं तो स्मरण आते ही रहते हैं तो सर्वानुह शिथिला क्रिया हमारी सारी क्रियाएं शिथिल हो गई सारी क्रिया से तात्पर्य हमारा भोजन करना सोना चलना फिरना सब शिथिल होता जा रहा है और शिथिल होते होते एक दिन निश्चित मरण हो जाएगा यदि कृष्ण नहीं आएगा तो कुछ दूसरा ही दुर्दिन देखना पड़ेगा परंतु हमारी जिस तरह से उसने रक्षा किया जिस तरह से कृपा प्रकाश किया तो हमें विश्वास है कि वो आएगा नंद बाबा भी कह रहे हैं कि जो सायल है गोवर्धन गोवर्धन पर्वत या और भी पर्वत जिस पर श्री कृष्ण ने लीला किया है अब जिस जमुना में मानसी गंगा में उसने विहार किया है सरित शैल वनोदेशा चार चीज कह रहे हैं सरिताएं शैल वन और उत्त देश बहुत सुंदर देश समतल मैदान जहाँ तहाँ वन प्रदेश वनोदेश वन और उद्देश्य सुंदर देश मुकुंद पद भूषिता ने जो श्री कृष्ण के चरण चिन्ह से अलंकृत हैं और आक्रीला उसके विहार स्थल इनको जब जब हम देखते हैं तो मन में जाती तदात्मता इसका अर्थ है जब पहले नंद बाबा ने कहा कि हमारी सारी क्रियाएं शिथिल होती जा रही हैं दिन प्रतिदिन शिथिल होती जा रही है कृष्ण का स्मरण करने से तो वही हंसी देखने की इच्छा है उसकी बोली सुनने की इच्छा है उसकी चितवन को देखने की इच्छा है चक्रवर्ती पादयार्थ करते हैं कि बाबा जब कृष्ण का स्मरण आपको घर पर ज़्यादा होता है आप कहीं गाय लेकर निकल जाइए और कृष्ण को भूल जाइए घर पर रहने से ज़्यादा स्मरण होता है तो वन में जाइए पर्वत में जाइए और अन्य गोपों के साथ गाय चलाइए मन भूल जाएगा आप सुखी हो जाएंगे तब कहते हैं नहीं उद्धव कहीं भी जाता हूँ तो उसका स्मरण होता ही रहता है यदि मैं जमुना जी के किनारे जाता हूँ वहाँ भी कृष्ण का स्मरण होता है कृष्ण के चरण चिन्ह सब जगह भरे हुए और शैल श्री गोवर्धन में जब जाता है हाँ तो और अधिक स्मरण होता है गोवर्धन धर्म करने की उसकी लीला याद आती है और गोवर्धन के कंदराओं में शिखर पर विहार स्मरण आता है वृंदावन में वहाँ भी चलो चिन्ह है सब जगह लीला भूमि है उसकी क्रीड़ा भूमि और उद्देश्य कहीं ताल वन में जाता हूँ उधर भी सब जगह स्मरण आता है मुकुंद पद भूषिता ने
मुक्ति दाता, सब दुख से दूर करने वाले श्री कृष्ण के पद से, चरण से अलंकृत सब स्थान है आक्रीलान। इन स्थानों में श्री कृष्ण ने क्रीड़ा किया है, विविध खेल किया है, लीला किया है। इक्षमाणा न मनोजाति तदात्मता। जब हम देखते हैं इनको, मन तदात्मता कृष्णमयता को प्राप्त होता है, कृष्णमय हो जाता है, अर्थात मन में बिल्कुल कृष्ण छा जाते हैं। तो न मैं घर में सुखी हूँ, न वन में, न गोवर्धन में। तदात्मता का एक अर्थ है कि मैं, ऐसा होता है कि मैं कृष्ण लीला में बन जाता हूँ, मैं ही गोवर्धन जैसा फील करने लगता हूँ। इतना कृष्ण का स्मरण होता है, लगता है कृष्ण मेरी ही गोद में खेल रहे हैं। गिरिराज जी का स्मरण करने पर यह भाव होता है कि हमारे हृदय में कंदरा गुफा में श्री कृष्ण खेल रहे हैं। मनोजाति तदात्मता में, तदात्मता का अर्थ है कृष्णात्मता अथवा शरीर छल बनो देशन सबके साथ लगेगा। और या आक्रीड़ा क्रीड़ामयता को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से उनका प्रेम विकार बढ़ने लगा। तो नंद बाबा ने सोचा कि कृष्ण के ऐश्वर्य परक लीला की यदि याद करूंगा तो शायद कृष्ण का इतना आवेश हमको भूल जाए। तब वे कहते हैं, बहुत सोच समझ करके बात करते हैं, कहते हैं, मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्तौ इह सर्वोत्तमौ सुराणा महदर्थाय गर्गस्य वचनम यथा। उद्धव, जैसा गर्गाचार्य ने हमसे कहा था, मैं कृष्ण और बलराम को सर्वोत्तम मानता हूँ। मैं यही मानता हूँ कि ये दोनों में से एक विष्णु के अवतार हैं और एक संकर्षण के अवतार हैं। गर्गस्य वचनम यथा, जैसे हमारे गुरु महाराज ने, गर्गाचार्य ने कहा था, उसके अनुसार बोल रहा हूँ, वचन को प्रमाणित कर रहे हैं। गर्गाचार्य ने कहा था, गर्गस्य वचनम यथा, मैं गर्गाचार्य के अनुसार मैं अब मानने लगा हूँ, मैं मानता हूँ कि कृष्ण और बलराम सर्वोत्तम हैं, भगवान शंकर और विष्णु भगवान हैं, जो यहाँ अवतार लिए हैं। सुराणा महदर्थाय, देवताओं के लिए जन्म लिए हैं, देवताओं का कार्य करने के लिए, दैत्यों का वध करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। ऐसे इसलिए वे स्मरण कर रहे हैं कि ऐसा करने से थोड़ा मन में आएगा कि चलो भगवान हैं, हमारे बेटा नहीं हैं, ये भाव शिथिल होगा। तो पुत्र भाव करके मैं मर रहा हूँ, कृष्ण की याद कर रहा हूँ, तो पुत्र भाव शिथिल हो और श्री कृष्ण बलराम में भगवत भाव हो, इसके लिए ये लीला की याद कर रहे हैं। लेकिन नंद बाबा का जो वास्तविक भाव है पुत्र भाव, वही हावी हो जा रहा है, वो दबा रहा है स्वर्ग भाव। फिर भी याद कर, मन्ये कृष्णम च रामम च प्राप्तो इह सर्वोत्तम। वास्तव में कृष्ण बलराम हमारे पुत्र नहीं हैं, वे तो दोनों सर्वोत्तम हैं, देवताओं में सबसे उत्तम भगवान विष्णु और भगवान शिव, ये दोनों हैं।
इसका अर्थ है कि मैं पुत्र न मन में न मान्य उधर मैं उनको पुत्र नहीं मानना चाहता हूँ। ये पुत्र मानने से बड़ा दुख हो रहा है। तो अब गुरु के वचनानुसार याद करें, कृष्ण बलराम दोनों देवता हैं, देवताओं में श्रेष्ठ हैं, और देवताओं के कार्य के लिए, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, असुर वध के लिए दोनों आए हैं यहाँ पर। तो यह बात इसीलिए कह रहे हैं नंद बाबा कि पुत्र भाव तिरोहित हो जाए, परंतु होता नहीं है। मन्ये कृष्णम च रामम च, और सुराणा महद अर्थ है, देवताओं का महान कार्य साधित करने के लिए वे आए हैं। भगवान विष्णु आए हैं, भगवान शंकर आए हैं, तो उनको पुत्र मानना कितना भारी अनर्थ है, कितना बड़ा दुस्साहस है। यह भीतरी भाव है कि इनको पुत्र क्यों माना जाए, ये तो पुत्र इतना दिन माना यही अपराध किया है। भगवान विष्णु को और भगवान शंकर जी को, जो जगत के पिता हैं, सबका पालन करते हैं, सबको बस में रखते हैं, उनको मैं पुत्र माना, यही अपराध है। कैसे मानते हैं कि कृष्ण बलराम दोनों देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, दोनों भगवान हैं, ये बात कैसे मानने लगे? तब कहते हैं, मानता हूँ, कुछ देखा हूँ। एक तो गुरु का वचन प्रमाण है, साफ बोले हैं कि ये दोनों, ये कृष्ण जो है, ये नारायण समूह गुण है, ये गुणों में नारायण के समान है, नारायण ही इसके गुणों में इसके समान है। एक तो गुरु का वचन है, और दूसरे मैं देखा हूँ। प्रत्यक्ष है किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में जो देखा हो तो दूसरा प्रमाणिक श्लोक बोलने की क्या जरूरत है। जो चीज आदमी देखा है तो कहते हैं, कंसो नागायुत प्राणम, 10,000 श्रेष्ठ हाथियों का बल था कंस में, और मैंने अपने आंख से देखा कृष्ण मार दिया उसको। तो भगवान नहीं है तो कौन है? भगवान ही मार सकते हैं ना। नागायुत प्राणम, प्राण माने बल, अयुत माने 10,000, 10,000 हाथियों का बल था कंस में, एक दो हाथी नहीं, दो चार या 100 हाथी नहीं, 10,000 हाथियों का बल था कंस में। और मल्लव गजपतिम तथा, और दोनों मल, चारुण और मुष्टिक, इनमें भी 10,000 हाथी का बल था, ये सब में लगा रहे हैं। और गजपतिम तथा, और कुबलयापील हाथी, गजराज, इसमें भी 10,000 हाथी का बल था। ये सबके लिए विशेषण है, कंसम नागायुत प्राणम, मल्लव नागायुत प्राणम, और मल्लायुत प्राणम गजपतिम। अवधिष्ठान लीले एव, ये कृष्ण बलराम मिल करके और खेल खेल में इनका वध कर दे, कंस का, कुबले पीड़ हाथी का, चारूढ़ और मुष्टिक का। लीलया एव पशुनिव मृगाधिप, जैसे सिंह है खेल खेल में साधारण पशुओं को मार देता है, वैसे दोनों खेल खेल में ही मार दिए। कोई हथियार नहीं उठाए, कुछ नहीं उठाए, किसी को तमाचा मारे मर गया वहीं पर, किसी को पैर से मारे मर गया। ये बलराम मुष्टिक को एक तमाचा केवल मारा। नंद बाबा बैठे थे उस रंगभूमि में, देखे थे, 10,000 हाथी का बल रखने वाला मुष्टिक, एक बलराम जी के बाएं हाथ के एक मुष्टिका लगने से मर गया, तमाचा लगने से, खून फेंकने लगा और चक्कर आ गया, उसे गिरा मर गया। और चारुण को भगवान कृष्ण हाथ से पकड़ लिए, हाथ से पकड़ करके उसके दोनों हाथ और लगे घुमाने, इतना जोर से घुमाए कि वो आकाश में ही मर गया। उसके मरे हुए शरीर को फिर अखाड़ा में उन्होंने पटका।
इन सब लीलाओं को श्री नंद महाराज ने अपने आँखों से साक्षात देखा था बैठ करके मथुरा के रंगभूमि में। तो गुरु जैसे जो सुने थे बात उसका प्रैक्टिकल कर रहे थे। अब ये उस समय नहीं माने, उस समय कुछ नहीं माने कि कृष्ण ने वध किया, ये तो भगवान की कृपा है, नारायण की कुछ कर रहे हैं। ऐसी स्वाभाविक लीला होती थी कि ये विश्वास ही नहीं होता था कि बलराम मार सकता है या कृष्ण मार सकते हैं। 10,000 हाथी का बल रखने वाला 11 वर्ष के लड़के की तमाचा से मरेगा, एक हाथी भी नहीं मार सकता है। हाथी क्या मारेगा, हाथी के पास जाएगा वही कुचल देगा। लेकिन इतने बलवान मुष्टि को, पहलवान को जो वर्षों से तैयारी करके रखा गया था कृष्ण का वध करने के लिए, बलराम का वध करने के लिए, केवल इनका यही काम था, रोज कुश्ती लड़ते थे और तैयारी में रहते थे कि कृष्ण बलराम को मारना है। इसी पर सरकार भारी वेतन दे रही थी, कंस बहुत भारी वेतन दे, सैलरी दे रहा था। बहुत प्यारे पहलवान थे उसके, सब राष्ट्रीय पहलवान थे, सरकार के द्वारा हाई सैलरी मिलता था। काम क्या था कि भगवान कृष्ण को बलराम को मारना है। वर्षों से जिनको तैयार किया गया था, जो खूब खाए पिए थे, प्रसन्न थे, सब थे, बल्कि जब वो लोग लड़ने का प्रस्ताव रखे, चारुल ने कहा कि आप लोग कुश्ती दिखाइए, राजा का मनोरंजन करें, हम लोग, हम भी प्रजा हैं, आप भी प्रजा हैं, तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने डिनाई किया कि नहीं नहीं, हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग बड़े बड़े पहलवान हैं, हम लोग भी मनोरंजन करेंगे राजा का, लेकिन हम अपने साथियों के साथ कुश्ती दिखाएंगे, जो हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ ही हम इनके साथ लड़ेंगे, कुश्ती दिखाएंगे, और आप लोग भारी भारी पहलवान आपस में लड़िए, राजा का मनोरंजन कीजिए, इंटरटेनमेंट कीजिए। तो चारुल कहता है, न बालो न किशोर स्तन बलश्च बलिनां वरः, तुम बच्चा हो, किस मुख से कहते हो कि मैं बच्चा हूँ, तुम बच्चा नहीं हो न किशोर हो, और ये बलराम, और तुम बलवानों में सबसे श्रेष्ठ बलवान, अभी अभी लीला पूर्वक खेल खेल में कुबलिया पर हाथी को मार दिया और बच्चा बनते हो, बच्चा नहीं हो। और उसको वास्तव में भगवान दिखाई दे रहे थे महापर्वत के समान वज्र शरीर वाले दिखाई दे रहे थे, वो झूठ नहीं बोल रहा था। महाकाय दिखाई दे रहे थे भगवान और वज्र जैसा कठिन शरीर, इस तरह से बोला है। भगवान कह रहे कि नहीं, ठीक नहीं है लड़ना, है हम लोग बच्चा हैं, बच्चों के साथ युद्ध दिखाना चाहिए। इनका नहीं नहीं, देखो तुम मेरे साथ जोर आजमाओ और मुष्टिक बलराम के साथ, अपने लिए श्री कृष्ण को ही चुना है। चारुण कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु, यही है ना। तो फिर युद्ध हुआ और बहुत युद्ध देर तक युद्ध हो रहा था। भगवान उस सभा को धारण किए थे, इन लीला दिखा रहे थे कि उस सभा में रहने वाली स्त्री और पुरुष सभी लोग कहने लगे, महान महान अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। चारुल भी मारता था भगवान पर मुष्टि का तमाचा मारता था, क्या क्या प्रहार करता था, कभी फेंक देता था, कभी खींचता था, कभी घुमाता था, और श्री कृष्ण के शरीर पर सुंदर मुख कमल पर परिश्रम की बूंदे आ गई थी। बहुत भारी परिश्रम हो रहा था और श्री कृष्ण भी लगता था हाँफ रहे हैं, हाँफ रहे थे, जीतने का प्रयास कर रहे थे। स्त्रियां तो कहती हैं बहुत गलत रूप से इन लड़कों को फंसाया गया है, यहाँ पर अन्याय हो रहा है, इस सभा में जो रहेगा उसको भी पाप लगेगा, अच्छा यही है कि सभा में प्रवेश न किया जाए। वे कहती तो हैं लेकिन कोई सभा से निकल कर जाती नहीं थी, क्योंकि श्री कृष्ण को देखे बिना नहीं रहा जाता था।
तो भगवान को आशीर्वाद दे रहे थे कि हमने आज तक भगवान विष्णु की जो भी पूजा किया, हमने दान दिया ब्राह्मणों को, यह तप किया, उपवास किया, सबका यह फल हो कि कृष्ण इसका वध कर दे। सब लोग अपना अपना पुण्य लगा दिए। ठीक वैसे ही जैसे सीता जी के स्वयंवर में धनुष नहीं टूट रहा था और जब श्री भगवान गए मंच पर तो सभी जनकपुर के लोग, विशेष करके स्त्रियां, अपना अपना पुण्य अर्पित करने लगी। सीता जी तो कहती है, गणना एक वरनायक देवा आज लगी किन्हों तो स्तव सेवा। हे गणपति जी, आज फल दीजिए, मैंने जो भी सेवा किया है आपकी, इसके प्रभाव से राम धनुष तोड़ दे। और जितने भी लोग थे सब लोग अपना अपना पुण्य अर्पित किए। भगवान को इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन ये तो भाव है, भक्ति है, तो श्री राम धनुष को तोड़ दिए। ऐसे तोड़े लगा कि छुए बस टूट गया, छुअत टूट रघुपति हीन दोष। लक्ष्मण जी तो कहते हैं कि इसमें रघुपति का क्या दोष है, परशुराम जी से कहते हैं, वो छुए और टूट गया तो अब क्या किया जाए। परशुराम जी बहुत जोम में आए थे, बोल रहे थे बेढंगा, कौन धनुष तोड़ा। और सबसे ज्ञानी जनक जी को कहते हैं, अरे जड़ तो पत्थर हो गए हो क्या, कहुजड़ जनक धनुष का तोड़ा। जब श्री परशुराम जी आए सभा में तो इनका जस तो सर्वत्र विख्यात था कि ब्राह्मण किस तरह से क्षत्रियों का संहार किया है। हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के केवल परशु और 21 बार क्षत्रियों का संहार किए थे, सहस्रबाहु अर्जुन का वध किए थे, विख्यात बात थी। तो जब भगवान ने धनुष तोड़ दिया और बहुत भयंकर आवाज हुई, उस आवाज को सुन करके या सभा की बात सुन करके पहले श्री परशुराम भगवान आए, उनको देखते ही सारे राजा डर गए। अब तो धनुष तोड़ने वाले की ये खबर लेंगे, उसको मारेंगे, तो बहुत खुश भी हुए लेकिन डर गए। तो अपने अपने बाप का नाम ले लेकर के सब प्रणाम कर रहे थे, सरकार हम इस देश के हैं, इस राजा के लड़के हैं। और श्री परशुराम भगवान केवल देख रहे थे। अच्छा, जिधर देखते थे तो उधर राजा लोग खड़े होकर कहते थे, हम इस देश के राजकुमार हैं, ठीक है। तब विश्वास होता था कि अब हमको नहीं मारेंगे। वीर भेष में भगवान थे, भगवान का अद्भुत बल है। कोई सेना लेकर के परशुराम जी नहीं जाते थे, अकेले और राजाओं के बीच में सबको काट कूट करके खत्म कर देते थे। भगवान का कोई क्या कर सकता है। तो सब लोग डर करके प्रणाम करने लगे, प्रणाम करने लगे। तो इसके बाद सब लोग शांत होकर के जब बैठे, प्रणाम प्रणाम सब खत्म हो गया, उसके बाद देखे शिव जी का पूज्य धनुष दो खंड में पड़ा हुआ है। धनुष के तरफ दृष्टि गई तो उसी क्रोध मुद्रा में वे जनक जी का भी अपमान करते हुए बोले, कहुजड़ जनक धनुष का तोड़ा। अरे जड़ जनक, ये तुम्हारा गांव है ना, ये सभा तुम इकट्ठा किए हो ना, धनुष तुम तोड़वाए हो ना। पहले ये बताओ, अरे मूर्ख, ये बताओ कि ये धनुष कौन तोड़ा है। सो बिल गाय बिहाई समाजा, नत मारे जय हई सब राजा। जो धनुष तोड़ा है यहाँ निकल करके आ जाए, केवल उसी का वध करूंगा, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। इसका मतलब है कि राजा लोग स्वयं ही भेजे उसको, कौन तोड़ा है, इतना बड़ा अपराध कौन किया, कौन धनुष तोड़ा है। अब तो जनक जी को तो काठ मार गए, हम क्यों कहें। कुछ हुड राजा संकेत कर रहे होंगे ऐसे उंगली दिखा करके, वो तोड़ा है, वो तोड़ा। सबसे ऊंचे मंच पर भगवान बैठे थे। धनुष तोड़ करके बैठे थे। अगर वहां खड़े होते तो भगवान परशुराम जान गए होते कि यही तोड़ा है, लेकिन वो तो मंच पर बैठ गए।
जनक महाराज बोल ही नहीं रहे थे, सारी सभा सन्न हो गई। जो अच्छे राजा थे वे तो डर रहे थे, भगवान राम के मंगल की कामना कर रहे थे, लेकिन जो हुड थे, बदमाश और खल थे, वे चाहते थे कि राम मारे जाए। अच्छा हुआ हमको दंड नहीं देना पड़ा, परशुराम जी ही आ गए, करो विवाह तोड़ धनुष। ये सब हो गया। तो भगवान ने देखा कि जनक महाराज जी डरे हुए हैं और सब लोग विषण हैं, चिंता में हैं। तो भगवान परशुराम जी के पास आए, प्रणाम किए, हाथ जोड़ करके बोले, नाथ समझ धनु भंजन हारा, कोई है को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपके दासों में से कोई एक है, क्या आज्ञा है, क्या सेवा करूं? तो मैं ही वो हूं, तो मैं आपका दास हूं, आपकी क्या सेवा करूं? सुना हूं राम जो शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। दास कहते हैं जो उनका सेवक सो, जो कराए सेवकाई, रिपु करनी करी करी लड़ाई। जब दुश्मन का शत्रु का काम किया तो लड़ाई होनी चाहिए। जो शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्रबाहु अर्जुन के समान मेरा बैरी है, मेरा शत्रु। और फाइनल निर्णय दिया, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस्रबाहु सम स्वरूप मोरा। सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, ये है वो है। भगवान ने कहा कि मैं आपका शत्रु कैसे होता, आपकी बराबरी करने का कोई मतलब ही नहीं है, आप तो स्वामी हैं, हम आपके सेवक। क्षत्रिय वैसे ही ब्राह्मणों के सेवक होते हैं, हमें तो एक गुण है, एक धनुष में रस्सी लगी है, रस्सी को गुण कहते हैं। हमारे पास तो हे देव एक गुण है, और आपके पास तो नौ गुण है, जनेऊ में नौ धागा होते हैं, नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे। और ये गुण तो मार काट करने वाला है, और आपका जो गुण है वो क्षमा, दया, शांति, वेदाध्ययन आदि इन गुणों से युक्त है। तो आप में नौ गुण हैं, हमें तो एक गुण है, हम कैसे आपकी समानता कर सकते हैं? भगवान बहुत शीतल वचन बोल रहे थे और परशुराम जी उखड़ते जा रहे थे बिना मतलब। जो व्यक्ति क्रोध में होता है वो अपनी ही हानि करता है ना। तो श्री भगवान का अपमान श्री लक्ष्मण जी नहीं सह सके। वे आगे बढ़ाए और बोलने लगे बहुत कड़े स्वरों में। पहले उन्होंने कहा कि पहले आप कहीं बैठिए, खड़े खड़े परेशान हो रहे हैं, कहीं बैठिए, चल करके आ। और यहाँ भी खड़े स्वरी हो गए, ठीक नहीं बैठिए, बैठ हुई पाए पिराने, पैर में दर्द हो रहा होगा, बैठिए। तो कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि कौन धनुष तोड़ा, कौन धनुष तोड़ा। मैं तो मान रहा हूँ कि श्री राम धनुष तोड़े नहीं, तो छुआ धनुष टूट गया, बहुत पुराना धनुष होगा, सड़ा गला, छूते ही टूट गया। और ऐसी धनु ही हम लोग खेलते समय कई तोड़ करके फेंकते हैं। खेलने में ऐसी धनु, धनुष नहीं कहा, धनु ही कई तोड़ करके फेंका है। तो ये एक टूट गया तो आपको क्या दुख है इस बात का? बहुत धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असर इस की गोसाई। ऐसी धन ही कई बार तोड़ करके फेंके हैं, उस समय आप कभी क्रोध नहीं किए। इस सड़े गले धनुष पर आप क्यों क्रोध?